गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह बन रहा है। आज मेरे घर में दिखाती हूँ बताने से क्या होता है। तो मैंने बनाया था आज सैंडविचेस, जिसमें कि मैंने पोटैटो और थोड़ा सा पनीर की फिलिंग करी थी क्योंकि बहुत टेस्टी। मैंने टेस्ट किया इसका आलू का स्टफिंग। और यहाँ पे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था सारे ड्राई फ्रूट जो भी मेरे घर में अवेलेबल होते हैं। और उसके बाद ओट्स 2 स्पून रखे थे और सुबह इसको मैं ग्राइंड करके शाम को देती हूँ प्रोटीन शेक ऐसा। और उसके बाद फिर मैं गई अपना ब्रेकफास्ट करने, जो कि थी चाय और सैंडविच, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था। तो घर हो चुका था पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन। सारा घर मैंने क्लीन व्लीन करने के बाद मैंने खुद भी बाथ लिया एंड अपना ब्रेकफास्ट तो मैंने कर ही लिया था। अब बनाना लंच में कुछ है नहीं खास। ये रूम भी आज बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया क्योंकि कल शाम के सारे कपड़े वॉश और प्रेस सब कुछ हो गया था। किचन भी ऑल सेट, हॉल इज ऑल्सो सेट। बाय बाय। उसके बाद गई मैं नीचे अपना मिल्क लेने के लिए क्योंकि मिल्क वाले भैया आके सारा मिल्क इसके अंदर डाल के जाते हैं, जो जो इनसे मिल्क लेता है। तो फिर मैंने फटाफट से अपना मिल्क लिया, ऊपर आई बालकनी में थोड़ा सा लाइट में खड़ी हुई विटामिन डी के लिए। कुकिंग टाइम से बचना है ना सबसे बेस्ट, फ्रोजन मटर और फ्रोजन बीन्स, इनको काटने में भारी लगता है बहुत टाइम, तो इसलिए पहले से ही मैं इसे कट करके फ्रीज कर देती हूँ। अभी आराम से 15 to 20 days तक इसमें फ्रेश वो भी रह जाते हैं। नाउ यू कैन सी मटर भी। द बेस्ट पार्ट घर के फ्रोजन में ना ये होता है कि आपको ना मतलब फ्रेश चीज़ें मिलती हैं, मार्केट की तरह नहीं। यहाँ फ्रोजन ये वाले मटर ना अल्टीमेट लगते हैं खाने में। मतलब बाहर का आप एक बार फ्रोजन खा के देखो और अब घर का फ्रोजन करके खा के देखो, ज़्यादा बेस्ट आपको होम फ्रोजन लगेगा। तो आज मेरा था केनिया में फर्स्ट टाइम किसी के घर जाना और वो भी पूजा के लिए। मतलब यहाँ पे सारे लोग अपने अपने स्टेट का सारा रिचुअल फॉलो करते हैं। तो आज मैं एक जा रही हूँ, गोवा वाली हमारी भाभी हैं, उनके घर पे हल्दी कुमकुम की कोई पूजा है तो आज मैं वो अटेंड करने जा रही हूँ। तो आज हमारा ड्रेसिंग कोड है साड़ी, तो मैं अपनी एक रेड कलर की साड़ी पहनने वाली हूँ जो कि आप बताना मैं कैसी लग रही थी। मैंने अपनी आईज मेकअप कर लिया है, अपनी लिपस्टिक्स लगा लिया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है मेरे साथ, मेरे पास ब्लशर्स बहुत सारे हैं। शादी के चक्कर मैंने बहुत सारे ब्लशर्स ले लिए थे ना, 2-3 जो भी है, बट मुझे ना अभी तक अपना पुराना और टूटा फूटा ब्लशर पसंद आता है। इनफैक्ट उसका ना कैप भी टूट गया है, बट मैं उसको नहीं छोड़ती हूँ। मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट आई लव दिस वन, आई डोंट नो व्हाई, बट आई लव इट। तो ये था मेरा आज का प्यारा सा ब्यूटीफुल सा लुक, लाइट लाइट सा पिंकिश पिंकिश सा मेकअप जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ये हल्दी कुमकुम भाभी लगा रही हैं और उसके बाद इन्होंने सबको रोजेस दिए थे और कुछ गिफ्ट दिए थे और कुछ शुगर दिया था। आज का डिनर हो चुका है रेडी, जिसमें कि मैंने बनाया पनीर टिक्का और एज यूजुअल मेरे पति बैठ के चिकन, लेमन चिकन विथ इसमें दही वगैरह सब कुछ डाल के, तो काफ़ी जूसी सा होता है, काफ़ी टेस्टी। आज हम मूवी देख के भी जा रहे हैं फर्स्ट टाइम केनिया में, मतलब मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, ये तो बहुत बार गए मैं। मैंने फुल ब्लैक पहना है और सिंगल एक वाइट कैप है, इन्होंने से सिंगल वाइट पहना है और सब कुछ ब्लैक। वाओ, दोनों का मतलब एक ही होता है ये मुझे बोलने के बाद पता चला। ये झूठे प्यार की निशानी, सच्चे प्यार की है। अंदर मिलती है चीजें बहुत ही महंगी महंगी, तो हमने सोचा भाई यहीं से कुछ कुछ खा लेते हैं खाने पीने के लिए। भाई अच्छे खासे लोग भरे पड़े थे, मतलब ऐसा लग रहा था पहले मुझे कि भाई बहुत कम लोग होंगे, बट काफ़ी लोग थे इंडियंस में वहाँ पे। और मूवी स्टार्ट होने के बाद भी काफ़ी मज़ा आया क्योंकि लोगों की सीटियों ने ये बताया कि भाई इंडियंस है यहाँ पे। देखो
पूरे हॉल में इंडियन, मतलब नीचे की सीट्स में नहीं बट ऊपर आधी पूरी भरी हुई थी। देख के आने के बाद लगी थी मुझे बहुत तेज की भूख, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ये। मैं उन्हें बैक करके अपने पति का रिएक्शन दिखाती हूँ। वेट, अच्छा लगता है यार तुम्हारा रिएक्शन। क्या आप ढूंढ रहे हो? ही जो कि मैंने वॉश ही नहीं किया है, तो आपकी निक्कर आपको मिलेगी कैसे? ये है। अब चले भाई हम सोने, क्योंकि सारा काम हम सब कुछ हो चुका था, तो चलो अब सोते हैं। काम तो क्या, बर्तन तो कुछ भी वॉश नहीं किए थे, बट सोना ज़रूरी था।